स्वागत है मेरा YouTube चैनल कार मैकेनिक में। दोस्त, आज आए हैं हम लोग अशोक लेलैंड का BS6 गाड़ी पे। देखिए गाड़ी का प्रॉब्लम क्या है, जो EDC का जो लाइट है वो जल रहा है। ठीक है, तो देखेंगे आज गाड़ी पे क्या प्रॉब्लम है नहीं है, तो जो गाड़ी पे कौन सा फॉल्ट कोड एक्टिव है नहीं है वो देखने के लिए आपको E-डायग्नोस्टिक टूल्स चाहिए। ठीक है, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो देखिए जो फॉल्ट कोड एक्टिव है U09E00। ठीक है, तो ये वाला जो कोड है कौन सा कोड है वही देखेंगे। ठीक है, तो दोस्त देखिए, जो नॉक्स इन सेंसर रीडिंग डाटा इज नॉट वैलिड, ये वाला कोड एक्टिव है। ठीक है, और दूसरा जो कोड है वो देखिए, वह P24A200 जो कॉम्बाइन सूट लॉट का कोड है, दोनों कोड एक्टिव है। तो चलिए पहले देखेंगे नॉक्स सेंसर का वोल्टेज चेक करेंगे, उसमें वोल्टेज तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं हम लोग वोल्टेज। ठीक है, तो देख सकते हो आप पिन नंबर भी, 22.9 वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, गाड़ी पे जो बैटरी का जो वोल्टेज है वही है, सेम आ रहा है। और कैन हाई और कैन लो का जो वोल्टेज है वो भी देखिए 2.4 करके आ रहा है। ठीक है, देख लीजिए कैन हाई और कैन लो का जो वोल्टेज है वो 2.4 करके आ रहा है। मेरा जो वायरिंग तो सही है। ठीक है, तो अभी एक बार जो नॉक सेंसर है वो वाला रिप्लेसमेंट करके देखेंगे। ये देखिए, ये 24 वोल्ट का नॉक सेंसर है। ठीक है, तो ये वाला जो सेंसर है ये लगा के देखेंगे गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्त, आज जो A to Z जो नॉक सेंसर का जो प्रॉब्लम है वो आज मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखते रहिए, और वीडियो कैसा लग रहा है नहीं लग रहा है मुझे कमेंट करके बताओ, और कौन सा वीडियो देखना चाहते हो आप लोग वो भी मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो चलिए दोस्त, अभी जो नॉक सेंसर है उसको हम लोग लगाएंगे। ठीक से, तो लगाने के बाद देखेंगे। तो इसको लगाने के लिए देखिए, दो टो बोल्ट रहता है। ठीक है, जो 12 नंबर का जो ये जो देख रहे हो नॉक सेंसर को माउंटिंग करने के लिए दो टो बोल्ट लगता है। ठीक है, जो 12 नंबर का है, देखिए दोस्त अभी जो नॉक सेंसर का जो बोल्ट हम लोग लगा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा करके आपको पहले फिट करना होगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको ठीक ठाक टाइट भी कट देना है। तो देखिए नीचे वाला जो बोल्ट है वो तो लग गया है, लग चुका है अभी, तो ऊपर वाला बोल्ट अभी लगा रहा हूँ। ठीक है, तो लगाने के बाद जो 12 नंबर रिंग से उसको टाइट करना है। ठीक है, तो टाइट करेंगे, देखिए हाथ से पूरा लगा लिया है अभी, तो अभी रिंग से उसको टाइट करेंगे। ठीक है, ऐसे करके दोस्त आपको टाइट करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्त, आप देखिए दोस्त अभी लगा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो लगाने के बाद दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये जो है ये नॉक सेंसर है। ठीक है, कैसे लगाना है नहीं लगाना है ये भी देख लीजिए। ठीक है, अच्छी तरीके से आपको जो नॉक सेंसर है वो लगाना है, और ये भी ध्यान रखना है जो नॉक सेंसर का पास से कोई गैस लीक नहीं करे, ऐसा देख के आपको लगाना होगा। ठीक है, तो ऐसा करके आपको देखिए जो वायरिंग थोड़ा सा ये हो रहा है उसको भी सही कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको ये वाला जो टाइट करने के लिए कितना नंबर चाहिए, 22 नंबर चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके दोस्त पूरा टाइट काट दीजिए। ठीक है, पूरा से पूरा टाइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करके देखिए टाइट कर रहा हूँ बस, तो देखिए पूरा टाइट है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, जो उसका जो कवलर है, ठीक है, जो नॉक सेंसर का जो वायरिंग है उसको हम लोग टाई क्लिप के साथ उसको बांध देंगे। ठीक है, तो दोस्त क्या करेंगे, जो नॉक सेंसर का जो वायरिंग है उसको टाई क्लिप से ठीक ठाक करके, ठीक है, बांध दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, देखिए जो साइलेंसर है, ठीक है, जब गाड़ी रनिंग पे रहता है, मान लीजिए गाड़ी चल रहा है, उसका जो साइलेंसर का जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, उसमें वहाँ से क्या है, बहुत गर्मी रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ऐसा करके टाई क्लिप से अच्छे तरीके से बांधना होगा, नहीं तो क्या होगा दोस्त। ठीक है, नहीं तो वो जो वायरिंग है वो
उसमें थोड़ा सा क्या होता है, हीट से वो वाला जो वायरिंग है वो जल जाता है, ठीक है, कभी कभी जल जाता है, इसलिए हम लोग टाई क्लिप से अच्छे तरीके से बांध दीजिएगा, ठीक है। हम लोग भी बांध रहे हैं, देखिए, देख लीजिए, ठीक है। देखिए ये तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, किस लिए, तो ये बहुत छोटा जगह है इसलिए थोड़ा सा भी टाइम लगता है, ठीक है। और देखिए ऐसा करके आपको टाई क्लिप से टाइट कर दीजिए, ठीक है, टाइप टाइट करना होगा। तो देखिए दोस्त, अभी तो टाई क्लिप से टाइट कर रहा हूँ, ठीक है, देखिए टाइट हो गया है अभी, ठीक है। तो अभी देखिए सही है, सब कुछ ठीक ठीक ही लग रहा है। अभी क्या करेंगे, जो टाई क्लिप जो है, जो एक्स्ट्रा वाला जो टाई क्लिप है, उसको हम लोग चाकू से थोड़ा सा काट के शार्प कर देंगे, क्योंकि देखने भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए, तो वो वाला काट दे रहा हूँ अभी, ठीक है। और क्या करेंगे दोस्त, देखिए वो जो जब नॉक्सन से जब लगाए थे, थोड़ा सा जो वायरिंग है, थोड़ा सा देखिए कैसा हुआ था। तो ये वाले जो वायरिंग का जो ये है, ये वाला जो वायरिंग है इसको भी सही कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए जो अभी नॉक सेंसर भी लग चुका है, देख लीजिए वायरिंग भी सही है, ठीक ठाक लग रहा है। अभी क्या करेंगे, जो ये देखिए, ये जो नॉक सेंसर का मॉड्यूल है पहले दिखाए थे, तो उसको क्या करना है आपको अभी लगाना होगा, ठीक है। तो ये वाला जो वायरिंग है लगाने का समय थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए दोस्त ये वाला जो वायरिंग का जो कपलर है, ठीक है, थोड़ा सा टूटा हुआ है, ठीक है, कहाँ पे काम हुआ था, ठीक है, थोड़ा सा टूटा हुआ है। देखिए दोस्त अभी पेस कर रहा हूँ ये येलो वाला जो कपलर है उसको, लेकिन ठीक से नहीं बैठा हुआ है, थोड़ा सा ही है, ठीक है। तो ऐसा करके देखिए दोस्त, अभी देखिए पूरा ठीक ठाक से बैठा हुआ है, कपलर भी लग चुका है, तो वो भी आपको देखना होगा, ठीक है। और देखिए ये वाला जो ये वायर है वो नॉक सेंसर का है, ठीक है, और देख लीजिए एक बार, सब कुछ तो सही है। तो चलिए दोस्त अभी चलते हैं ड्राइवर सीट के पास, ठीक है। ड्राइवर सीट पे आ गए हम लोग, देखिए दोस्त गाड़ी का चाबी ऑन है, तब भी देखिए जो EDC का जो लाइट है, देखिए वो जल रहा है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, एक बार गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं जो EDC का लाइट है वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। देखिए दोस्त पहले भी EDC का लाइट जल रहा था, अभी भी जल रहा है, ठीक है। जो नॉक सेंसर अभी लगाइए, तो क्या करना है, गाड़ी को थोड़ा सा हीट करके देखना होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्त अभी आ गए हम लोग, जो एक्टिव कोड कौन सा वाला है, एक तो ही है देखिए, ठीक है, वह कौन सा वाला, देखिए कॉम्बाइन सुरलॉट का है, ठीक है। वो रिजनेशन करके देखेंगे ये वाला कोड जा रहा है कि नहीं जा रहा है। देखिए जो कोड था U059E00, देखिए दोस्त ये कौन सा वाला था, देख लीजिए, नॉक्स इन सेंसर का था, ठीक है। पहले क्या था, एक्टिव था, अभी इनएक्टिव हो गया। जो नॉक सेंसर का जो प्रॉब्लम था वो तो इनएक्टिव हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, लेकिन और एक तो है देखिए दोस्त, इसलिए वो EDC लाइट जल रहा है। तो दोस्त अभी रिजनरेशन चल रहा है गाड़ी पे, तो रिजनरेशन कंप्लीट होने के बाद देखेंगे गाड़ी पे जो प्रॉब्लम था वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, EDC लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्त रिजनरेशन कंप्लीट होने के बाद देखिए मीटर पे जो जो लाइट जल रहा था, अभी जो EDC के लाइट नहीं है, सिर्फ कौन सा वाला है, देखिए नीचे वाला जो कूलेंट का लाइट है जल रहा है, ठीक है, एक कूलेंट कम है गाड़ी पे इसलिए जल रहा है। और देखिए एडब्लू भी इस गाड़ी पे कम है, 12% है, ठीक है। तो दोस्त देखिए जो गाड़ी पे जो प्रॉब्लम था वो तो अभी नहीं है, EDC का जो प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो गया है। देखिए RPM भी दोस्त ठीक ठाक ही जा रहा है, ठीक है, देख लीजिए गाड़ी पे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और दोस्त वीडियो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू दोस्त मेरा वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।